चलिए यूनिटी पे तो राजनीति सही, फिटनेस के लिए दौड़ लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी की ऑडिट पर रोक लगा दी है, यानी केजरीवाल के बड़े मुहिम को झटका लग गया है। केजरीवाल सरकार को बिजली के 440 वोल्ट का जोरदार झटका लगा है। झटका इतना जोरदार था कि बिजली कंपनियों के बही खाते की जांच करने का सपना एक झटके में धराशायी हो गया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच ने केजरीवाल सरकार के कैग से बिजली कंपनियों की ऑडिटिंग कराने के फैसले को निरस्त कर दिया है, यानी अब बिजली कंपनियों की ऑडिट पर रोक लग गई। और उन्होंने वो प्रोसीजर लैप्स किया है तो बड़ी छोटी सी मिस्टेक है, और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं उसको कम्प्रोमाइज किया है। केजरीवाल सरकार ने अपने पहले कार्यकाल यानी कि 49 दिनों की सरकार में ही तीनों बिजली कंपनियों BSES राजधानी, BSES यमुना और टाटा पावर के CAG ऑडिट के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ कंपनियों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने CAG ऑडिट की इजाजत दे दी थी, लेकिन कंपनियों ने डबल बेंच में दोबारा अपील की। इस बार कंपनियों को राहत मिली और ऑडिट पर रोक लगा दिया गया। फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर लड़ाई जारी रखने की बात कही। केजरीवाल ने लिखा, मैं दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध हूँ, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब दिल्ली सरकार आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार कर रही है। उधर BJP और कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल गया।